हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ न्यू व्यूअर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज मैं दोस्तों आप सभी को SIS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और कमेंट बार बार आ रहा है कि भैया आप SIS छोड़ दिए क्या? तो ऐसा कोई बात नहीं, मैं SIS अभी छोड़ा नहीं हूँ और SIS में अभी ड्यूटी कर रहा हूँ। और आप SIS में ड्यूटी करना चाहते हैं तो मैं तो अभी फ़िलहाल सिलीगुड़ी ब्रांच में ड्यूटी कर रहा हूँ। और मैं गाइस आप सभी को बता दूं कि आप यदि सिलीगुड़ी ब्रांच में जुड़ना चाहते हैं या फिर बेंगलोर में, सिलीगुड़ी में तो कम सैलरी है बेंगलोर की तुलना में। बेंगलोर में 25, 22, 25, 18 ऐसे करके सैलरी है बेंगलोर में। और मैं आपको बता दूं, यदि आप ट्रेनिंग करते हैं तो अप्रोक्स 11,000 मुझे लगा था खर्च ट्रेनिंग करने पर, एक सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ। और डायरेक्ट जॉइनिंग कहीं 7,000 लगता है, कहीं कम लगता है। डायरेक्ट जॉइनिंग करने पर यही कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सभी जगह अलग अलग सैलरी है, हर जगह एक ही सैलरी नहीं होता है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। यानी कि बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये सभी जगह में थोड़ा कम सैलरी होता है। और बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसा भी जगह में, गोवा हो गया, और बहुत सारे हाई फाई सिटी है वहाँ अधिक सैलरी है। एक बात तो मानना पड़ेगा दोस्तों, जहाँ पे अधिक सैलरी है वहाँ यानी कि खर्च भी अधिक है, और जहाँ कम सैलरी है वहाँ खर्च भी कम है। और SIS में जुड़ने के लिए आपको उम्र कम से कम 21 ईयर होना चाहिए, 10th क्वालिफाइड होना चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया, और हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, वजन 60 kg होना चाहिए। और आपको कैसा लगता है SIS, आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा गाइज। और यह वीडियो कैसा लगा, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं दिवाकर, जय हिंद, जय भारत।